सोनी सुपर कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कुछ आसान और हेल्दी बनाने का सोच रहे हैं तो सुबह के नाश्ते के लिए ये रेसिपी बेस्ट है। वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक जरूर करें। अगर आपके घर पे भी बच्चे हो या बड़े, लौकी खाने से मुंह बनाते हैं तो इस तरीके से हेल्दी नाश्ता बना के खिलाओगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा लौकी से बनाया है या आलू से। हमने 250 ग्राम की लौकी छील के हमने बारीक कद्दूकस से निकाल के लिया। ज्यादा मोटे लच्छे नहीं करेंगे। लौकी अपनी ऐसी लेंगे जिसमें ज्यादा बीज नहीं होगी तो खाने में अच्छी लगेगी। ताजी लौकी लेके अपनी कद्दूकस करेंगे। साथ ही हम एक मीडियम साइज का बारीक करके प्याज डालेंगे, 2 हरी मिर्चें काट के डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। लौकी अपनी तभी कद्दूकस करें जब अपना नाश्ता बनाना हो तो पहले कद्दूकस करके रखेंगे तो काली पड़ जाएगी। 1 छोटी चम्मच हम नमक की डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालें। 1/2 छोटी चम्मच हम हल्दी की डालेंगे ताकि हमारे नाश्ते का अच्छा कलर आए। 1/2 छोटी चम्मच हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे, तीखा और चटपटा अपनी पसंद से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम साबुत जीरा डालेंगे ताकि अच्छी खुशबू आए। बिल्कुल कम मसालों में कम सामान के साथ बनाएंगे अपना हेल्दी नाश्ता। हमें 1 कप भर के अपना गेहूं का आटा डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। हम अपनी लौकी का जूस नहीं निकालेंगे, ऐसे ही कद्दूकस करके अपने नाश्ते में डालें। हम पहले ऐसे ही मिलाएंगे, हमारी लौकी में भी जूस रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हमने अपना बैटर बनाया है, 1 कप हमारा पानी का लगा है। अच्छे से मिला के अपने बैटर को तैयार करें, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। आप इस नाश्ते को और हेल्दी बनाना चाहें तो आप अपनी मनपसंद की सब्जी डाल के भी बना सकते हैं। इस तरीके से लौकी का नाश्ता बनाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा, बच्चों को हेल्दी नाश्ता भी मिलेगा। हम अपने नाश्ते को तावे पे बनाएंगे बिल्कुल कम ऑयल में। अच्छे से अपने तावे को गर्म करके मीडियम आंच कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के हम ऐसे फैलाएंगे जैसे हम अपना चीला बनाते हैं। आप मोटा पतला अपनी पसंद से बना सकते हैं। अपनी लौकी को बारीक कद्दूकस से निकालेंगे तो खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा लौकी से बनाया है या आलू से। बिल्कुल मीडियम आंच करके हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारी लौकी अच्छे से पक जाए, खाने में कच्ची ना लगे। 2 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हो ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया, हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ये नाश्ता बिल्कुल कम ऑयल में बनके तैयार होगा। एक साइड से सिक जाए तो हम दूसरी साइड पलटेंगे, इस साइड भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे। दोनों साइडों से हम उल्टते पलटते अच्छे से सेक लेंगे ताकि अच्छा कलर आ जाए, कच्चा भी नहीं रहे। हमने उल्टते पलटते मीडियम आंच पे अच्छे से सेक लिया, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, निकाल लेंगे। लौकी भी कच्ची नहीं रहेगी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार है। इसी तरीके से हम अपना सभी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। लो टू मीडियम आंच करके हमने अपना सभी नाश्ता बना के तैयार कर लिया। ऐसा हेल्दी नाश्ता बिल्कुल कम मेहनत में बनेगा, नहीं आपको आटा गूंदना पड़ेगा, नहीं बेलना पड़ेगा। लौकी हेल्दी भी रहती है, गर्मी में ठंडी भी रहती है, तो सुबह के नाश्ते में बेस्ट रहेगी। बिना बेले कुछ ही मिनटों में कम सामान में इस तरीके से अपनी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत पसंद आएगी पूरे परिवार को। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। लौकी खाने से घर पे बच्चे बड़े मुंह बनाते हैं तो पता भी नहीं चलेगा, हेल्दी नाश्ता भी इस तरीके से खा सकेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग बनता है, इतना स्वादिष्ट। आप एक बार बनाओगे तो आप रोज़ रोज बना के खाना पसंद करेंगे। आप इस नाश्ते को दही अचार चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी और अमेजिंग वीडियो लेके आते रहेंगे।